पता भैया जी के साथ करेगा पता, पता, पता। नहीं करूंगा चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारे तारों पे नहीं नाचना। भैया जी ये तू मना कर रहा है तुम्हारे साथ कोलैब करने को? अबे तो इतना चिल्वा क्यों रहे हो इससे? अगर ये हमारे साथ कोलैब करने से मना कर रहा तो किसी और के साथ भी ना कर पाए। हाँ समझ गया भैया जी। आओ चवन्नी सिंह आओ। अभी ये क्या नया ड्रामा कर दिया भैया जी? ड्रामा नहीं है साला, इन्फ्लुएंसर है। हमारे साथ कोलैब करने से मना कर रहा था हरामजादा। 2 मिलियन फॉलोवर थे इसके, अब ले जाएगा अपने पिछवाड़े में रखकर। 2 मिलियन फॉलोवर, यानी कि आपने एक सुपरस्टार को मार दिया। अजी मेरे मूड पे धरे हैं सुपरस्टार। साला सब्जी वाला था, सब्जी बेच बेच के इतने फॉलोवर किए, और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो अभी भी बेचारे वहीं के वहीं हैं। वो सब तो ठीक है, पर हमें यहाँ क्यों बुलाया? आओ बताते हैं। क्यों यहाँ बताने में गांड फट रहा? शेर से ये नहीं पूछते कि उसे जंगल कैसा लगता है? तो कभी कभार शेर की भी मात। हे चवन्नी सिंह चुपचाप बात सुन लो हमारी, ये बकैती करने को नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ। तो बताओ भैया जी क्यों बुलाया हमें यहाँ? रुको बताते हैं। अरे ओ गौमूतिया। जी भैया जी। जरा वो फोटो स्टेट तो लाना। लाया भैया जी। लो भैया जी। हाँ जरा वो 2 कप चाय बोलो। 2 कप चाय? अबे मुंह से नहीं बोलना है तो भैया जी, गांड से हमको बोलना नहीं आता है। साले 2 कप चाय बनवा ला पीने वाली। जी भैया जी लाया जी। दरोगा साहब जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया ये लो। ये कौन है भैया जी? ये है सुपरस्टार, इनमें से एक है भिखारी जिसके 2 मिलियन फॉलोवर हैं, और एक है कबाड़ी जिसके 4 मिलियन फॉलोवर हैं, और एक साला चाय बेचता है जिसके 5 मिलियन फॉलोवर हैं। ये कौन से सुपरस्टार है जिन्हें आज तक हमने नहीं देखा? ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत चूतिया पड़े हैं इस दुनिया में जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं पर सालों को जानता कोई नहीं। तो फिर क्या फायदा ऐसे मिलियंस का? तुम इनको मेरे पास शाम तक लाओ, बाकी बातें बाद में। भाऊआ नहीं है इन तीनों को लाना, थोड़ी परेशानी हो सकता है। अब भी परेशानी होगी क्या? अब तुम्हारा काम हो जाएगा भैया जी, शाम तक ये तीनों तुम्हारे पास होंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। राम राम जी। राम राम। अरे गुमूतिया जरा इधर आओ, हमारे पांव तो दबाना जरा। तोरा गला ना दबा दूं? अबे कंजर नौकरी करते हैं हम तुम्हारे यहाँ, नौकर नहीं है तुम्हारे। और अब के कोई हुकुम चलाया ना तो ये लोटा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के घुमा देंगे। हाँ क्या मिला आज? दिन भर घूमने के बाद ये 120 ही जुड़ पाए, इससे बढ़िया तो हम रील्स बना के कमा लेते हैं। अबे तो ये भीख मांगना छोड़ क्यों नहीं देते? पागल हो गए हो क्या? हम इसे छोड़ कैसे सकते हैं? जितने भी फॉलोवर्स बने हैं ना हमारे, भिखारी पन देख के ही बने हैं। ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये भी सही बात है। और अपना बताओ आज कितने कप बेक लिए चाय? ज्यादा नहीं बेक पाए, सुबह से 13 गिलास बिके हैं, इससे ज्यादा तो हम रील्स बनाकर कमा लेते हैं। हाँ और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे फॉलोवर इसे देख के ही बने।
तो इसी बात पे रील्स बन जाए। बना दो फिर, पहले तुम बनाओ हमारी, फिर हम बनाएंगे तुम्हारी। हाँ ये ठीक है, चलो। भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। बढ़िया बन गई बे, अब हमारी बनाओ बे। आज हम नहैले बाड़ी शैम्पू से, आज हम नहैले बाड़ी शैम्पू से, अब छोई है राजा हमार टेम्पू से। अबे बहुत बढ़िया बन गई बे, आओ इसे पोस्ट करते हैं। अरे वो सुपर स्टारों के चौथ, इधर को आओ, जरा इधर को आओ, तुम्हें मैं बताऊं। जी सर कहिए। किस चीज के सुपरस्टार हो तुम? सर हम इंस्टाग्राम के सुपरस्टार हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। साले मुझे तो ये समझ में नहीं आती, तुम इतने फॉलोवर्स बना कैसे लेते हो? सर टैलेंट है हमारा। अच्छा टैलेंट है तुम्हारा? बहन के पकोड़ो, जिसे तुम टैलेंट बताते हो ना, वो रोज सुबह हटते हैं हम अपने लैटरिंग में। सालों मेहनत का मजाक बना कर रख दिया तुम लोगों ने। अबे मेहनत होती भी क्या है, तुम लोगों को पता भी है? क्यों नहीं पता सर? सर आपको पता है एक रील्स बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? पूरे 10 मिनट रखते हैं एक रील्स बनाने में। अरे सर जी कह रहे कोई मेहनत ही नहीं लगती। सर बहुत मेहनत लगती है एक रील्स बनाने में, आपको नहीं पता? हमें क्या पता मेहनत क्या होती है, सारी मेहनत तो तुम लोग जानते हो, हम तो साले चूतिया है ना। ए, नहीं सर तुम क्यों चूतिया हो सकते हो? बक मादर फोड़, पांडे साहब सालों को गाड़ी में बैठाओ, इन्हें तो मैं देखूंगा। गाड़ी में बैठाओ सालों को। ए सर कहाँ ले जा रहे हो ये तो बता दो हमें। तुम जैसे टट्टियों की भी अभी बहुत लोगों को जरूरत है, अब जा रहे बैठे रहो चुपचाप, वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगी अपने आप ही। सर अब चलना कहाँ है? अभी तीसरा रह रहा है ना, चलो उसके पास। तुम गाड़ थोड़ी साइड में सरकाओगे, इतनी भारी भारी ले रखी है, चलो। वो लाए हो जो मैंने तुमसे मंगाया था? इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है ना, ये ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, तुम्हें पता है कुछ? जबी मैंने तुमसे मंगाई है। इसे बहुत संभाल के ले जाना, इसके बिना संसार में कुछ नहीं है। तुम उस चीज की चिंता मत करो, अब ये मेरे पास है, मैं इसे संभाल लूंगा। ओहो इंस्पेक्टर चवन्नी सिंह के इलाके में रिंग लाइट की स्मगलिंग, और हमें पता भी नहीं। इधर आवे। जी सर कहिए। हाँ भाई बहुत जरूरत पड़ने लगी है रिंग लाइट की है। क्या करें सर, इसके बिना रील्स नहीं बनता, इसे लगाने से ना थोड़ा चेहरे पे ग्लो आता है, तभी तो लड़कियां फॉलो करती हैं। तो आओ ना, तुम्हें थोड़ा ग्लो दिखाते हैं चेहरे पे, बैठो गाड़ी में। सर सर कहाँ, सर हमने क्या किया है? अबे यही तो दिक्कत है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, हमेशा दूसरों के डायलॉग पे ही रील बनाते हो। सर हम दूसरों के डायलॉग नहीं चुराते, हम लिपसिंग अच्छा कर लेते हैं। आओ तो लिपसिंग ही कराते, तुम्हें बैठो जरा। लेकिन सर। अबे हमने कहा बैठो गांडू, गाड़ी में बैठो, नहीं तो पिछवाड़े में डंडा डाल के हेलीकॉप्टर बना देंगे तुम्हारा। बैठो सालो, चलो चलो रे डोली उठा। अबे थोड़ा जोर से दबा, दम नहीं है क्या हाथों में? दम तो इतना है भैया जी, अगर आपके दोनों अखरोट पकड़ लिए ना तो उनका जूस पिला सकते हैं। अबे यार गोमूतिया तू तो बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ये लो आ गए हमारे चवन्नी सिंह। हाँ देगा भी आके तुम्हारे मुंह में।
ऐसा है फालतू की बकचोदी यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी, जितना बोला जाए उतना बोला करो। साढ़े बन रहे सुपरस्टार है। लो भैया जी ये आ गया आपके चूतिया सुपरस्टार। चवन्नी सिंह शायद तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इनके इतने फॉलोवर यूं ही नहीं बढ़े। लेकिन समस्या तो ये है इनके फॉलोवर्स बढ़े ही क्यों? हमें कोई बताएगा मैं यहाँ क्यों लाया गया? कोलोबरेशन करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, हमारे कहने पर तुम रील्स बनाओगे और उस डायलॉग उस गाने पर बनाओगे जिस पर हम कहेंगे। लेकिन हम तुम्हारे इशारे पे क्यों नाचे, हमें मिलेगा क्या? मेरा मूत। तुम्हारे मूत को हम क्या करेंगे? चाय बना लियो खोपड़ी के, जैसा कहते हैं ना वैसा करो, वरना मिनट नहीं लगेगी चूतियों तुमसे जो मर्जी करवाने में। तुम हमें ऐसे नहीं डरा सकते, हम रील्स उसी पर बनाएंगे जिस पर हमारा मन करेगा। मन तो तुम्हारा हम लगवाते हैं, अरे गोमूतिया। ये भी तुम्हारी तरह रील्स बनाता था, इसने हमारे साथ कोलब करने से मना करा, हमने इसका कोलोबरेशन ही खत्म कर दिया। तो चूतियो लिपसिंग करके तुम चाहे कितने भी फॉलोवर्स कर लो, लेकिन नाचोगे तो हमारे इशारों पे ही। अब ओरिजिनल कंटेंट तो है नहीं तुम्हारा, साले चूतिये। ठीक है हम तुम्हारे कहने पर रील बना लेंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा? इसी बारे में तो बात करने के लिए बुलाया है, आ जाओ। तो भाई लोगों बात ऐसी है, तुम जो इंस्टाग्राम पर हक हक कर कचरा फैला दिए हो और जो भी तुम हकते हो वायरल हो जाता है, इस तुम्हारी पॉपुलैरिटी से हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। लेकिन हमारी पॉपुलैरिटी से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? अबे तुम्हारे जितने भी फॉलोअर हैं वो हमको तुम्हारे साथ देखेंगे, इससे तुम्हारी भी इमेज बढ़ेगी और मेरी संख्या। वो का है ना चुनाव में यही सब तो काम आने वाला है, हमने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। तुम्हारा फायदा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा? तुम्हारा फायदा ये होगा सुरक्षित रहोगे और जिंदा रहोगे, वरना साले जिस तरीके का हगाज तुम इंस्टाग्राम पे हगते हो ना, मन तो ऐसा करता बेलचा लेके तुम्हारी गांड सूज के रख दे। देखो डरने की कोई बात है नहीं, तुम हमारे इशारे पर नाचते जाओ और लोगों से नचवाते जाओ। मतलब भैया जी? मतलब ये है तुम जो भी गोबर बनाओगे लोग तुम्हारी देखा देख बनाएंगे, और जब हम तुम्हारी वीडियो में आएंगे तो लोगों का सोचना होगा कि ये आदमी तो बहुत सज्जन है, उससे होगा कि हमारी भी थोड़ी पॉपुलैरिटी बनेगी और मतदान के चांस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है भैया जी, हम रील्स तो बना देंगे, लेकिन किसी को पता ना चले कि आप हमें नचा के अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो। ऐसे लगना चाहिए जैसे आपने हमारे साथ कोलैब किया हो। तो हमें करना क्या होगा? करना बस ये है, तुम्हारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और उनसे कहो रील्स पर इतना कचरा फैला दें कि वहाँ साफ कंटेंट नजर ही ना आए। भैया जी आप उसकी चिंता मत करो, हम उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी कचरा ही कचरा फैला देंगे। अबे गांडुओ तुम साले कहीं भी कचरा फैलाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से ओरिजिनल कंटेंट वालों पे आ चाहिए तो फिर चाहे तुम्हारी सरकार डूबे या भैया जी की। चवन्नी सिंह सरकार तो हमारी नहीं डूबेगी, अगर यूट्यूब पर भी कचरा फैलता है तो उससे तुम्हें क्या? भैया जी हमें पता है मेहनत किसे कहते हैं, लेकिन ये साले आजकल के टटपूंजी हो, अगर हमारी सालों की मेहनत पे पानी फेरेंगे तो हम क्या हाथ पाथ करके बैठेंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो चवन्नी सिंह, इनकी वजह से ओरिजिनल कंटेंट पर कोई आंच नहीं आएगी। बस तो फिर हमारी तरफ से तो माइक। बस चवन्नी सिंह। तो हाँ भाई मेरे सुपरस्टारो, कचरा फैलाने के लिए तैयार हो ना? इतना कचरा फैला देंगे किसी ना सोची ना होगी। भैया जी इतने सारी बात रिकॉर्ड कर लिए।
चवन्नी सिंह, ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कौन? ये ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, अगर इसने ये बात लीक कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैंने पहले ही तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए गेर दिए हैं। अब इसे जल्दी से पकड़ो और काम खत्म कर दो। बस समझो, तुम्हारा काम हो गया। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो ज़रूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक मार के वीडियो को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लग रहा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे सीरीज पे सीरीज आती रहेगी इस चैनल पे, जो आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया लगेगी। बाकी वीडियो कैसी लग रही है आपको, इसी पार्ट में हम वीडियो लाते जाए या कोई अलग चीज़ लाए तो वो हमें ज़रूर बताएं। अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है तो हम कंटिन्यूज़ ये चीज़ लाते रहेंगे। बाकी वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।